suddenly there is a huge demand for exports. I mean, India is one of the largest exporters of beef today. Now they call this as bull's beef when they kill cows. गाय तो हम काटते ही नहीं, हम सिर्फ बैल का ही धंधा करते, बैल भाई तो बैल बन करके भी गवर्नमेंट ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। कटता यहाँ पर नहीं, वो तो 30 साल पहले बैंड हुआ है, कहाँ पर, गुजरात में, यूपी में, वहाँ पे भी कटता है आज भी, लेकिन कैसा है, रिश्वतखोर तुम्हारी गवर्नमेंट ही है। ये देश सेक्युलरिज्म पे चलता है, तो हिंदू की जो आस्था है उसका आदर करना या मुसलमान और क्रिश्चियन लोगों का कर्तव्य रहेगा। What we believe is what comes out of your inside is bad than what goes inside. What you eat is each individual's choice. People think that beef is a waste that is being utilized, or it is a surplus that is being made best use of. It's a complete misnomer. It's a complete smokescreen. The fact is, beef is the biggest reason why people are going hungry. And this is some, and it is scientifically proved also. And beef is a material which gives more energy to, and protein, a lot of protein given to the body. जो beef खाता है ना, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। वो कोई खुश नहीं रहते। कोई भी beef खाने वाला आदमी दीर्घायुष का धनी नहीं हुआ है। जिसने beef खाया है उसकी लंबी आयु नहीं रहती, और जो बीफ खाता है उसकी हेल्थ एकदम अच्छी है, तंदुरुस्त है, वो ऐसा नहीं रहता। तो अल्लाह की इच्छा है कि मुसलमान तंदुरुस्त होना चाहिए, इसलिए उसने बीफ कम खाना चाहिए, क्रिश्चियन ने भी बीफ कम खाना चाहिए। चिकन की और गोमाता की कंपैरिजन नहीं हो सकती। यदि बैल और गाय की हत्या हो जाएगी तो कृतज्ञता का मूल्य भी उद्ध्वस्त हो जाएगा, आस्ते आस्ते मानवता भी चली जाएगी, और फिर हमारी भारतीय संस्कृति शेष नहीं बचेगी। माय पर्सपेक्टिव, किलिंग एवरी एनिमल इज इक्वल सिन एंड इक्वल क्रुएल्टी। ये जो कसाई है, इनकी मान्यता है कि जो जानवर जानवर की खाल है और जानवर का जो मांस है, मीट, ये उनकी संपत्ति है, मगर जानवर की हड्डी है ये इस्लाम की संपत्ति है, और जानवर की हड्डी जो है उसका जो पैसा है वो जिहाद के लिए वापरा जाता है। जब बाजार में जानवर आएगा नहीं तो हम खरीदेंगे नहीं, जब बाजार में जानवर आएगा तो हम खरीदेंगे, तो लाने वाली की गलती है, खरीदने वाली की। द ओनली वे फॉर दिस वर्ल्ड टू सर्वाइव इज बाय गोइंग वेजिटेरियन। जिस गाय के ऊपर श्रद्धा थी, जिस गाय को देवता मानते थे, जिस गाय को माता मानते थे, वो जब कत्तलखाने में जाने लगी तब डिग्रेडेशन हुआ, आदमी के सोच का डिग्रेडेशन हुआ, और बाद में माँ बाप को भी वृद्धाश्रम में भेज दिया। Thing is that there is a lot of political agenda for this. It is not good for anyone, and they should not also bring in religious sentiment in politics. It should be neutral. And if the Supreme Court has gone into the depth of it, 8 judges have sat over it, passed a judgment, it definitely means that it is beyond mere tokenism or it's purely about some religion. हम तो बोलते हैं गाय का गोबर गाय की विष्ठा है, विष्ठा ही पवित्र है तो वो प्राणी कितना पवित्र होगा। कि भाई हमारे रोजी रोटी का क्या, हम हमारे घर के बच्चों को हमारी सरपंच को कैसा चलाएंगे, तो उसके लिए तो फिर ये मसले खड़े हो रहे हैं ना, झगड़े की। अनकरीब अगर इसमें अगर कोर्ट ने अभी डिसीजन नहीं दिया इनके फेवर में तो झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, देखो लूटमार शुरू हो जाएगा।